हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग रूट एक्स में जो भी नंबर दिया उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको जानेंगे या देखेंगे। जैसे रूट एक्स के स्थान पे क्या होना चाहिए, रूट फाइव हो या रूट 5.6 हो या 5.8 हो, कुछ भी हो, या 6.4 या 9.3, ये जो आपको एनसीईआरटी के बुक में मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर जो भी नंबर दिए रहेंगे, जैसे रूट फाइव है, रूट 5.6 है, इसको एक हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले एक आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपने मन से इस तरह से, ठीक है। और मान लिया हम लोग रूट फाइव को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन, तो सबसे पहले क्या किया, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए लाइन पर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रूट फाइव को हम लेते हैं, तो रूट फाइव के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल से इसको मेजर करेंगे, स्केल से इसको तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल से 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो गया, 0, और यहाँ पे ये 5 हो गया। उसके बाद इसको हम हटा लेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से इसको इस तरह से आप बढ़ा के यहाँ पे कितना, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ये 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हो गया, आप मेजर कर लेंगे स्केल से। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे इसको नीप को रखेंगे और यहाँ पे क्या करें, 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। इसका नाम आप दे सकते हैं ए और यहाँ पे बी। अब क्या करना है, बी से 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ा के काट लेना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके भी स्केल से मेजर कर लेंगे। कैसे करते हैं सो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे, यहाँ से क्या, एक यहाँ पड़ा और ये पड़ा, इसको आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे, इसको घटा बढ़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे ये क्या हो जाए, 1 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, स्केल को यहाँ से हटा दीजिए। उसके बाद आप इस पर क्या बोला गया था कि जहाँ पे बी है वहाँ से आप करेंगे क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर आगे लेंगे। तो यहाँ से आप क्या किए, यहाँ से 1 सेंटीमीटर आप आगे लेंगे, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आगे लेंगे और इसको लिख देंगे यहाँ पे, ये आपने क्या लिया, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना, 1 सेंटीमीटर, इसका नाम रख दीजिए पी, इसका नाम क्या रख देंगे, पी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ए और पी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, और पी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कि हम लोग मोर देन हाफ यानी ए पी का जो हाफ होगा उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है। ऊपर नीचे कैसे काटेंगे, इस तरह से ऐसे काटेंगे और यहाँ से नीचे इस तरह से काटेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए से यहाँ से इस तरह से ऊपर ऐसे काटें और नीचे में भी इस तरह से ऐसे काट लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, इसको इस जो परपेंडिकुलर है उसको स्केल से पहले मिला देंगे। कैसे, देखिए यहाँ से इस तरह से स्केल से मिलाते हैं, देखेंगे आप लोग, तो यहाँ से इस तरह स्केल से ऐसे मिला दिए, ये हो गया। अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बी पर एक 90 डिग्री का एंगल लेंगे। नहीं तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ से जो जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहाँ ओ नाम दे दीजिए, और ए ओ या ओ पी को रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ या एक आर्क खींचेंगे। जैसे देखिए यहाँ से पहले इसको मेजर कर लेंगे, यहाँ से इसको, जो कि आपको बराबर आएगा दोनों साइड, यहाँ पे भी बराबर आएगा और इस साइड में भी, इस साइड में भी देख रहे हैं बराबर आएगा। तो इसको क्या करें, यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उस यहाँ से आप सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी पर ये जो बी है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 90। अब हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे ये जो बी है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो लिए थे यहाँ पे वहाँ पे हम लोग एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इस तरह से, क्या करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ऐसे कर लिए, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से जो फर्स्ट टाइम कटेगा कितना होगा, 60 होगा, और इसमें जो सेकेंड टाइम कटेगा यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 120, और इसी में ऊपर इस तरह से काट देंगे,
और फिर यहाँ से 120 से यहाँ से इसको इस तरह से काटेंगे। अब आप देखेंगे इसको यहाँ पे क्या करेंगे, एक 90 डिग्री जो यहाँ पे बी पे बनाए हैं उसको 90 डिग्री बना देंगे। ओके, तो यहाँ से देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री इस तरह से बना देंगे, ये क्या हो गया 90 डिग्री। आप देखिए जहाँ पे ये सेमी सर्कल को यहाँ पे काटा है, कहाँ पे काटा है, यहाँ पे, कहाँ पे काटा है, यहाँ पे, इसको क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ से बी और इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका कर देते हैं डी, इसका नाम क्या दे देंगे डी, और इस बी डी को हम लोग क्या करते हैं मेजर करते हैं, बी डी को, इस बी डी को हम लोग मेजर करते हैं यहाँ से, इसको इस तरह से यहाँ पे ऐसे किए, और जहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे ये जो डी है, यहाँ पे जो डी है उसको मेजर करते हैं, आप इस तरह से ऐसे डॉट से इस तरह से काट देंगे। कहाँ काटेंगे, इस तरह से देखिए, इस तरह से इसको ऐसे काट देंगे, जहाँ पे ये इस लाइन पे कटा, ये वाला जो लाइन हुआ यहाँ पे, ये क्या होगा, ये वाला जो हो गया ये आपका क्या हो जाएगा रूट फाइव हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट फाइव, चाहे जो माने हैं रूट फाइव रूट सिक्स जो भी माने हैं वो यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।